कहने हैं वो भी बिल्कुल जो है वो उनका जो उनके पास अल्फाज नहीं है कि वो अपने बेटे को खराज अकीदत पेश कर सकें, लेकिन उनके जितने रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं वो सब के सब जो हैं वो उस यासर को, उसको दोस्त को, उसके भाई को और उसके बेटे को जो है वो शिद्दत के साथ याद कर रहे हैं कि जो 8 महीने पहले जो है वो हमसे बिछड़ के चला गया। और वह आज 8 महीने के बाद जब उनकी खबर आई, और उस वक्त भी खबर आई जबकि रात 10:30 बजे ये एक वाकया हुआ था, और उस वाकये में ही जो है वो शहीद हुए, और शहीद ने आखिरी वक्त भी जो है अपने घर वालों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे थे, और उस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद जो है वो जो उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में भी उन्होंने यही एक इंडिया दिया था कि आप जो है वो शहीद वो एक बहुत बड़ी एक कास्प के लिए लड़ने जा रहे हैं। और इस वक्त उनके एक और फैमिली मेंबर हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने यासर को किस तरह पाया, और आप थोड़ा सा अपना रिलेशन हमें बताएं। मेरा बेसिकली ब्रदर इन लॉ था यासर, और बहुत ही ब्रेव पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर जो किसी भी किस्म के खतरे से नहीं डरता था, और उसने अपनी जान हथेली के ऊपर रख के सिर्फ इस चीज़ को सेव किया कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी आँच ना आए, और अपना जान का उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। और उसकी तरबियत ही शुरू से इस किस्म की हुई थी, उसके माँ बाप ने उसको ट्रेंड इस किस्म का किया था कि किसी भी किस्म का भी खतरा हो तो ही वुड हैव फेस द सेम वे एज ही डिड राइट नाउ, और ही हैज़ फेस द बुलेट राइट इन द चेस्ट। और इससे ज़्यादा बहादुरी नहीं हो सकती किसी भी बंदे के लिए कि अपनी जान की परवाह किए बगैर आप जिस मेजर मकसद के लिए आपको पाकिस्तान आर्मी के अंदर या पाकिस्तान नेवी के अंदर आए हैं उसके ऊपर उसने डिफेंड किया है, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इस चीज़ के लिए। इस वक्त भी जैसे आप नाज़रीन दे सकते हैं कि उनके घर की सूरत हाल का एक बहुत ही रिक्कत आमेज मनाजर है, और हम समझते हैं कि मतलब ये शहीद के लिए नहीं बल्कि उनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं। लोग शहीद के लिए रोते तो नहीं हैं, लेकिन जाहिर है एक जिसका बेटा है, किसी की वो भाई है, तो वो एक जब किसी का दोस्त है, वो जब आपस में मिलते हैं तो इस तरह की सूरत हाल जब थी तो लोगों को जो है वो ऑब्वियसली महसूस तो होता है कि उनके साथ जो है वो क्या सूरत हाल पिजरी। और इस वक्त भी जैसा आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उनके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे आते हैं और लोग यहाँ पे आते हैं तो उसके फौरन बाद जो है वो एक रिकत आमेज मनाजर होते हैं, वो गम का और शिद्दत का जो है उसमें इजाफा। 16 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है, और जब ये बम धमाका हुआ पहला, उस वक्त इन्होंने अपने घर में बताया कि बम धमाका हुआ है, उस वक्त वो खैरियत से थे। उसके बाद किस वक्त इन्होंने शहादत पाई और अहले खाना को कब इत्तला दी गई? जैसे भी ये लोगों को जो है वो थोड़ा सा जो था कि हम किस वक्त कहाँ पे पहुँचे, लेकिन जब जैसे जैसे लोगों को, उनके दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को पता चलता गया, वो जोक दर जोक जो है वो उनके घर आते चले गए, और अभी तक जो है वो उनके घर आमद का जो सिलसिला जारी है। और इस वक्त भी जो है वो पूरी इस जहाँ उनके घर में हम मौजूद हैं, हमने उनके देखा कि वो जिसके खासतौर पर वो जहाज़ हमने अपने नाज़रीन को पहले भी हम दिखा चुके हैं कि जो रात को हिट किया गया था उसके साथ ही उनकी तस्वीर थी, और बड़ी यादगार तस्वीर थी, और उसी यादगार तस्वीर के ही हवाले से वो रात उसी जो है वो उस पोस्ट पे मौजूद थे और वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, और इंचार्ज ऑफिसर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वदूद मुश्ताक, हम इस हवाले से आपसे।